हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में स्पिरिट है, शराब है, मजदूरी है, और वजह है मजबूरी, मजबूरी, सिर्फ मजबूरी। अपनी भूख मिटाने की, अपना पेट पालने की, परिवार चलाने की, सबकी मजबूरी, जिसका फायदा सोम डिस्टिलरी ने खूब उठाया और मासूमों की परवाह किए बगैर धकेल दिया उन्हें मौत की भट्टी में। ये मासूमों के जले हुए हाथ, ये उनके जख्मों पर मंडराती मक्खियां, ये मासूमों के बद से बदतर हालात खुद मासूमों की बर्बादी बयां कर रहे हैं। शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराने वाले इन बच्चों के बीच जब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची तो खुद बच्चों ने अपनी पूरी दास्तां बयां की। सर, मैं बोतल खड़ी करता था सर, शराब की भरी हुई, और जो बोतल भरी हुई पेटी रहती है उस पर टेप लगाता था। वो अंदर खाली पाव लाते हैं, फिर अंदर भरते हैं, लाइन पे चलाते हैं, फिर पेटी में पैक होते हैं। ये तो पानी में अपन 10 मिनट अपने हाथ भी पानी में रखेंगे तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, उसकी खाल भेली हो जाती है। जैसे उधर है वो गर्म दारू निकलती है, इस वजह से अपन 5 मिनट भी उसमें हाथ रखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। कम मजदूरी देने और ज्यादा मुनाफे कमाने के लालच में करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाली सोम डिस्लरी ने बच्चों के बचपन से भी खिलवाड़ किया है, और महज 12 से 15 साल के इन बच्चों से पढ़ने लिखने की उम्र में हर वो काम कराया जो एक हट्टे कट्टे मजदूर करते हैं। शराब की बोतल भरने का काम, होलोग्राम लगाने का काम, वॉशिंग का काम, लेकिन आखिरकार बाल आयोग की दखल अंदाजी के बाद मासूमों को इस नर्क से निजात मिली। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती, जहां जिला प्रशासन की नाक के नीचे से बच्चों को गायब कर दिया गया। बच्चों को इमीडिएटली CWC प्रोड्यूस करना, SDM के समक्ष उनके बयान करना और ये एसर्टेन करना कि बॉन्डेड लेबर है कि नहीं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने समुचित धाराओं में FIR कायम नहीं की, 11 घंटे बाद FIR कायम की। वहाँ पे SDM 5 घंटे बाद पहुँचे, ADM 7 घंटे बाद पहुँची, और इस सब के बीच में जो अपराधी थे उन्होंने बच्चों को गायब कर दिया। फैक्ट्री के अंदर आबकारी विभाग का दफ्तर होने के बावजूद बेधड़क बच्चों से काम कराने का सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। सोम डिस्लरी की हकीकत सामने आने के बाद मोहन सरकार ने एक्शन लेते हुए कंपनी को सील करने के आदेश दिए। बहरहाल अब देखना होगा कि इन मासूमों के बेहतर कल के लिए आखिर अब क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो सके इसके लिए और क्या कुछ नया कानून बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।